हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाई डज अमोनिया रेडिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स वेयर एज अमोनियम डज नॉट। नाउ द की कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन दैट इज द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या है? देखिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जहां पर मेटल होता है उसके सराउंडिंग में लिगेंड होता है, ठीक है, मेटल कैटायन होगा, ठीक है, और सराउंडिंग में जो लिगेंड होगा वो न्यूट्रल हो सकता है और नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है, और जितना भी न्यूट्रल अटैच है उस नंबर को मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। तो लाइक एम एल एन होता है, ए होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला। अब देखिए, ये जो लिगेंड है, लिगेंड में क्या होना चाहिए? एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए, क्योंकि मेटल क्या होता है, मेटल आयन होता है, मेटल कैटायन होता है, ये क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लैक रहेगा। अगर मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा, सॉरी, मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेल्टा प्लस रहेगा और लिगेंड का अगर डेल्टा माइनस रहेगा तभी तो बॉन्ड होगा, तभी तो बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब जो लिगेंड है उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए एज ए लोन पेयर और इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज। अब देखिए, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अगर ये मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा तो क्या होगा, ये लोन पेयर डोनेट हो जाएगा, और ये जो लिगेंड है वो क्या होगा, ये लुईस बेस की तरह फॉर्म करते हैं, क्योंकि लुईस बेस किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। अब देखिए, अमोनिया मेटल के ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके एक मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्म करेगा जो मेटल अमोनिया बॉन्ड होगा। पर अगर हम अमोनियम का बात करें NH4+, उसमें क्या है, उसमें तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर अगर हम अमोनियम का स्ट्रक्चर देखें कुछ इस तरह हो जाएगा। अब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और 2 लोन पेयर होता है, पर यहाँ पर तो इसलिए नाइट्रोजन 3 स्टेबल बॉन्ड करते हैं, ठीक है, पर इसमें क्या होगा, ऑलरेडी एक बॉन्ड है, सो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इन्वॉल्व है, सो प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी डेल्टा प्लस है, सो एक किसी के और मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसलिए मेटल NH4+ ये फॉर्म नहीं होता, पर मेटल NH3 होल हेन ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, उसके पास यहाँ पर एन चार्ज होगा, ठीक है। तो इसलिए अमोनिया हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, पर अमोनियम डज नॉट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।